बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की हाल मेरे भैणां ते भाइयां दा, उम्मीद करना तुसीं ठीक होवोगे। अल्लाह ताला तुहानूं बहुत सारियां खुशियां दे, आमीन सुम आमीन। मेरे चैनल दा नाम है सुहेल जी, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर देना, वीडियो नूं लाइक और शेयर कर देना, बैल आइकन नूं प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। मेरे कोई दोस्त मेहमान आए सन ते असीं मछली फ्राई कीती है ते उह तुहानूं मैं दिखाना वीडियो दा। मछली मैं बाजारों लैंदी, इहनूं धो के हुण मसाले लगा रहा। पांच किलो मेरा ख्याल है, पांच किलो ही है, पांच किलो मछली है। बाजारों मछली लेके अभी तो उन्हें बाजार का कुछ अजवाइन अदरक का पेस्ट जहाँ जहाँ पानी जहाँ कोई वो लगाया उन्होंने जमदी भी फिर बड़े टोकरी च मैं धो लें। सुखा धनिया, गरम मसाला, दालचीनी, नींबू ने, उस तो बाद लहसुन ने, अदरक है, प्याज है, और तीन डब्बे फिश मसाले देने। यह मछली मसाला लगा लिया मैं। मेरे मसाले का तो तुम पता ही कि मैं जिस तरह लगाना वा। पाना फार्म मतलब देसी अदरक लहसुन प्याज नींबू ना ला रहा मसाला, दो पैकेट फिश मसाले दे ते दूसरा धनिया मैं घर ही कुटिया गर्म मसाला थोड़ा जिना पहले लादा लगा मसाला मैं लगाता है। ज्यादा क्रिस्पी मसाला नहीं लगाता, लाइट मसाला ही लगाता हूँ। तो मसाला रेडी हो गया, तुम दिखाना देख सकते हो। दोस्त ने असी सारे प्रोग्राम बनाया ते जिथे बाहर खूब है, जिथे मैं किचन वगैरह अपना समान सारा रखे है, असी उत्थे मछली फ्राई करने का प्रोग्राम बनाया ते मछली फ्राई करने हैं ते अपने भैणां ते भाइयां नूं दिखाने हैं। है जी मेरा किचन है, कमरा है, यह कुछ समान है कुकिंग वास्ते जिहड़ा रखे है। एक छोटा जिहा कमरा है जिस मैं समान रखे सारा अपना। बाहर जगह जिथे असी अग जला लिया है जी, कढ़ाई धोन लगे हाँ।
ਕਰਾਈ ਨੂੰ ਜਰਾ ਹੈ ਕੁਚਾ ਫੇਰ ਲਈਏ ਆ ਜਰਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਮਛਲੀ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਹ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਜੀ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਭਰ ਲਿਆ ਇਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਛਲੀ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਅੱਗ ਜਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਜਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮਛਲੀ ਵੀ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਬੜਾ ਕੜਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੜਾਹੀ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਿਓ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨਾ ਮੱਛੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਅ ਨਾ ਘਿਓ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਘੀ ਹੈ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੰਮੇ ਆ ਸਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਖਿਲਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਖਿਲਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਧੁੱਪ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਠੰਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਘਿਓ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਿਓ ਗਰਮ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮਛਲੀ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਮਸੰਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਸੰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮਛਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਣਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੇਸਲੀ ਰੱਖੀ ਕਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੁਣ ਘਿਓ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੂਜੀ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਸੜਿਆ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੱਛੀ ਸਹੀ ਬਣੇਗੀ ਮਛਲੀ ਰਾਤ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਣ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੁੰਪੜਾ ਸਾਡਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੱਛੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਰਾਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਫਾਇਰ ਕਰੇ ਅੱਗ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਹੀ ਪਰਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲ ਸਹੀ ਗਰਮ ਹੋਇਆ
लो जी मलिक साहब आ रहे ने, मलिक शजा साहब ते भाजी रन मिल रहे ने, ते ऐ जेरे ने वड्डे भाई होरी ने बादशो इंग्लैंड होंदे ने, ते इत्थे स्पेशल साडे फंक्शन विच आए ने, ते इंग्लैंड दे शहर लंदन विच होंदे ने जा, ते माशाल्लाह साडे विच इन्हां शिरकत कीती है। देसी माहौल भी कहते हैं, असं बाहर के माहौल वेखते रहने, तो देसी माहौल भी वेखना असं आ, चलो आ जाओ। हाँ जी वेखो माशाल्लाह इत्थे मच्छी शच्छी लगे ने, भाजी होरी ने वड्डे भाजी होरी ने, तो वेखो इन्हां दी सारा देसी माहौल है साडा। वेखो ऐ पिंडा दे नज़ारे, लो जी ऐ वेख लो, ऐ थोड़ी स्लो हो गई सी, टप्पियां छप्पियां रख दे ने पहले जिहड़ी मछली फ्राई करने वास्ते पाई सी, मेरा ख्याल कहिंदा कि हो गई है, फिर उहनूं चैक कर लैंदे आ क्योंकि ब्राउन रेड ते हो ही गई है, चैक कर लिया लापा कहर करे या रंग तो बड़ा जबरदस्त निकलिया सू। वेखो हाँ दो पीस निकले ने या वेखो, हाँ जी वेखो जो पूरा परागा एक निकलिया, उन्होंने टेस्ट टूस चेक होंगे पूरे मसाले मसूले का, तो भावर आंदे हाथ जायका तो बहुत लग रहा जा, तो लापा खैर करे इंशाला उन्होंने चैकिंग कर लेने। लो हाँ भैन भ्रा है पीस चेक हो माशाला, मछली मैं फ्राई होने वास्ते कढ़ाई पाती, मछली फ्राई हो के असं कढ़ी बाहर, तो मेरे दोस्त ने यह मछली खा रहे ने, उतो तो लभने कौन हूँ, तो मैं गड्डी जा सकता समीर को जाना, मुड़ा गड्डी वाला कितों देख के आवे, तो समीर ने कि जाना है, पूरी रेडी हो गया जा, ये मठी आग ते बनी है, ये ठीक रहा तेज आग ते हो सड़ जाती है बाहरों, फिर पक जाती मगर अंदरों कच्ची रहेगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जरा मसाला लाया ना इन्हें मछली को बहुत ज़्यादा नरम कर देते हैं, अगले तो कर ली है अगले, हाँ हल्की अग तो बनी है, यह सही नरम पीस बने ने मज़े दे, मछली बस तैयार होने वाली है, एक साड़ा पूर रह गया,
प्यारे भैन भाइयों आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा मैं कमेंट्स में जरूर दसना। असी दोस्तों सारे ने मछली खाधी तो बहुत अच्छी मछली बनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के फिर हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।